बार बार जब हम बात करते हैं श्रीलंका के नेतृत्व से तो वो यही कहते हैं ट्रेडिशनल फिशिंग के लिए आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है बॉटम ट्रॉलर से। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, और हमने बहुत बार, क्योंकि एक और मैकेनिज्म हमने बना रखा है जहाँ दोनों तरफ के मछुआरे मिलते हैं, तो मैंने स्वयं फिशरमैन एसोसिएशन से बुला के बात की है कि आप ट्रेडिशनल फिशिंग करिए, आप बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग क्यों करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, बॉटम ट्रॉलिंग हमारे देश में भी प्रतिबंधित है, FAO का ऑर्डर है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है, लेकिन हमारे निर्देशों के बावजूद, FAO के प्रतिबंध के बावजूद 60,000 बॉटम ट्रॉलर भारत में चल रहे हैं और 5,000 अकेले तमिलनाडु में चल रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने कदम उठाया है कि 3 मार्च 2017 से उन्होंने बॉटम ट्रॉलिंग का नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। रामानाथपुरम में भी ये बंद हो गया है, तंजावुर में भी बंद हो गया है, थिरावरूर में भी बंद हो गया है, पाक बे में भी बंद हो गया है, इन सब जगह पर उन्होंने इसको बंद कर दिया है। पुदुकेटी में भी ये बंद हो गया है। तो अब नया रजिस्ट्रेशन बॉटम ट्रॉलर का नहीं हो रहा, तो इससे आगे की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन ये बॉटम ट्रॉलिंग यहाँ भी प्रतिबंधित है। और जो बार बार राजा जी कहते हैं और ये बाकी लोग पूछते हैं सरकार क्या कर रही है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। हम केवल लोगों को छुड़ा नहीं रहे हैं, आपको मालूम है हमारे 5 मछुआरों के सिर पर फांसी का फंदा था जब पुरानी सरकार थी, ये सरकार भी नहीं थी, महिंद्र राजपक्षे जी की सरकार थी, उनसे भी बात करके प्रधानमंत्री जी ने 5 के सर से फांसी का फंदा हटवाया था और उन 5 को वापस लेकर आए थे। श्री मैत्रेय, थैंक यू सर। आई मस्ट ग्रेसफुली एक्नॉलेज दैट आफ्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, the fisherman, Indian fishermen of Tamil Nadu, even though they are frequently taken into custody by the Lankan government, they are released at a faster pace. I must acknowledge that. But my question to the honorable minister is, recently the Lankan government has enacted a law, a draconian law, whereby it provides for there is imprisonment up to 2 years and a fine up to even more than 50,000 rupees for the fishermen who are taken into custody. Whether the government of India has taken note of it and what steps they are taking in this regard. Thank you. Apati ji, ek act, jis act ke baare mein baat kar rahe hain Maitreyan ji, wo act 6 July ko parit hua hai Sri Lanka mein, aur ye jo TNA ke leader the Sumanti Ratan, उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया था, बाद में वो सरकारी बिल के रूप में पारित हुआ। और ये सही है कि उसमें 2 की सजा का प्रावधान है, और वो सजा है 2 तक की सजा या कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना। लेकिन ये किसके लिए है? केवल बॉटम ट्रॉलिंग प्रतिबंधित करने के लिए। और मैं अभी पूर्व के उत्तर में बता चुकी हूँ कि बॉटम ट्रॉलिंग हमारे यहाँ भी प्रतिबंधित है। नए बॉटम ट्रॉलिंग के रजिस्ट्रेशन में अभी तमिलनाडु ने ये कहा है कि हम कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ये विषय इंडियन फिशरमैन से संबंधित ना होकर के पर्यावरण से संबंधित है। बॉटम ट्रॉलर सी सरफेस को ख़त्म कर देता है, छील के ले जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ भी FAO ने बंद कर रखा है, जिसको वो अभी एक्ट के रूप में लेकर आए। तो हमारा काम तो 3 मार्च को हुआ, उन्होंने 6 जुलाई को हमारे भी बात किया है, इसलिए इस एक्ट के बारे में ये कहना, वो एक्ट पर्यावरण की दृष्टि से श्रीलंका ने पारित किया। श्री क्रिनमोय नंदा। जो सभापति जी, आपका माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहते हैं, ये समस्या केवल तमिलनाडु और श्रीलंका नहीं है, ये समस्या गुजरात का साथ पाकिस्तान का भी है, ये समस्या पश्चिम बंगला का साथ बांग्लादेश का भी समस्या है। जब नेचुरल कैलमिटी होता है, सब ट्रॉलर तो चला जाता है, कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान, कोई श्रीलंका, इंडियन फिशरमैन का नाव चला जाते हैं उधर। क्वेश्चन इज ऑन श्रीलंका। मैं पूछता हूँ, समुद्र में तो कोई बैरियर नहीं है, तो वहाँ को जो ट्रॉलर कॉन्फिस्केटेड हो जाते हैं, फिशरमैन को ले लेता है, इसके बारे में भारतीय सरकार का क्या निर्णय है? जी, जैसा आपने कहा कि क्योंकि ये श्रीलंका स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। पिछली बार सवाल उठा था गुजरात से पाकिस्तान जाने वाले उसका, और हमारे एक महोदय यहाँ हैं गोहिल जी, जो बहुत ही ज़्यादा उसमें रुचि लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी माननीय सांसद को कि आज शाम को विदेश नीति पर पूरी चर्चा है,
तो आपके ये जो विषय हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और भी श्रीलंका से संबंधित, मैं सबका विस्तृत जवाब उस समय दे दूंगी। ये विषय चूंकि श्रीलंका स्पेसिफिक है इसलिए मैंने अपना उत्तर वहां तक सीमित रखा।